हेलो, वेलकम अगेन टू माय किचन। मैं हूँ नेमत और मेरे किचन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज तहरी बनाते हैं, यानी हल्दी वाले पीले चावल। इसे बनाना बहुत आसान होता है, बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट से बन जाता है। और अगर मन में सुस्ती हो और बहुत ज़्यादा पकाने का मन न करे तो ये रेसिपी आपके लिए है। बनाने में आसान और टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। साथ ही इसको बनाने से बर्तन भी बहुत कम गंदा होता है, यानी एक ही पॉट में ये बनाया जा सकता है। अगर दिन बरसात का हो या जाड़े की रात हो तो क्या कहना, ये डिश बहुत ही काम आती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें 2 प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया है। अब उसी बचे हुए तेल में मैंने लौंग, इलायची, दालचीनी और स्याह जीरा को चटका लिया है। और जैसे ही ये थोड़ा सा पक गया है, मैंने इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। इसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून टमाटर प्यूरी डाला है। अगर आपके पास फ्रेश टमाटर हो तो 2 टमाटर आप इस्तेमाल कर लें। 1/2 टीस्पून हल्दी है, या हल्दी थोड़ा ज़्यादा डालें ताकि रंग पीला आए तो 3/4 टीस्पून डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर भून लें। स्वाद के अनुसार इसमें नमक ले लें। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक इस्तेमाल किया है। चावल मैंने 250 ग्राम लिया है और इसमें जो मैंने आलू इस्तेमाल किया है वो भी लगभग 250 ग्राम है। चावल मैंने शॉर्ट ग्रेन लिया है, बासमती चावल। तो अब यहाँ पर आलूओं को डालें और आलू डालकर कम से कम 2-3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लें। मसाला भी इस तरह से भुना जाएगा और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही मसाला भुन जाता है और पानी सूख जाता है तो आप इसमें कुछ हरी मिर्च, और अगर आपके पास कोई और सब्ज़ी है, टमाटर या फूलगोभी वगैरह, तो मिला लें। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चावल लिया है जिसमें थोड़ी सी मूंग की दाल भी डाली हुई है मैंने, ताकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। इस तरह से चावल, दाल और आलूओं को खूब अच्छी तरह से थोड़ी देर तक भून लें। ऐसा करने से चावल भी थोड़ा सोंधा ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है पानी, यानी सूख चुका है पानी, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पहले से थोड़ा सा गर्म किया हुआ पानी रखें, बिल्कुल ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। और यहाँ पर जितना चावल है उसका जस्ट डबल पानी यहाँ पर डालना है, लेकिन मुझे ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए था तो मैंने एक लार्ज साइज़ कप से, 1 कप चावल था तो मैंने यहाँ पर 2.5 कप पानी इस्तेमाल किया है। अब चावल को बॉयल होने दें। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये चावल बहुत ही आराम से बन जाता है और इसमें कोई टेंशन नहीं होती। बस कुकर में सीटी आते ही ये चावल खिला खिला सा तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये बिगिनर्स को बहुत सूट करता है। ये अगर कोई लड़के हैं जिन्हें कुकिंग का आइडिया नहीं है, वो भी अपने हॉस्टल में इसे बना सकते हैं। फुल मील है, हेल्दी है, टेस्टी है। आप देख सकते हैं कि अब इसमें बॉयल आ गया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मीट इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने 3-4 पीस मीट पहले से पका हुआ निकाल कर रखा था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप भी डाल लें, वरना आप बिना नॉनवेज के इसे तैयार करें। बॉयल आते ही ये जो मीट का पोर्शन है वो भी चावलों में अच्छी तरह से मिल जाएगा। अब कुकर को ढक देना है और ढकने के बाद 1 विसल आने तक इसे हाई फ्लेम पर प्रेशर देना है। विसल आने नहीं देना है, बस जैसे ही ऐसा अंदाज़ा लगे कि अब सीटी आई तो आपको फ्लेम बंद कर देना है, ताकि स्टीम पूरा अंदर ही रहे। देखिए, लगभग 12 मिनट
के बाद मैंने ढक्कन को खोला है। ये बिल्कुल पककर रेडी हो चुका है, पानी इसका सूख चुका है, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा। तो अब आप इसे पलट लें, देखिए खिले खिले दाने वाला ये आलू और गोश्त की तहरी तैयार है। बनाएं, खाएं और खिलाएं, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।